जस्टिस जस्टिस जस्टिस, कितने टाइम हम जस्टिस करके ये वर्ड को यूज़ करते, ये वर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं रहा अब हमारे देश में। हर जगह यही चीज़ होता है, हर जगह हर हर लड़की के साथ यही चीज़ होता है। हम लड़कियों को सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है इस दुनिया में। जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर पोलाची गर्ल मर्डर, ये चीज़ के लिए भी हमें आज तक के जस्टिस नहीं मिला, हमें मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे हैं, सिर्फ हम सिर्फ ये चीज़ मांगना जानते हैं, जस्टिस दो जस्टिस दो, मगर हम उस चीज़ के लिए लड़ना कभी नहीं सीखे आज तक के। जब तक के हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, ये लोग हमारे हमारे साथ यही सब करते आएंगे। तो आज हम लाए हैं, आज हमारा नया जो टॉपिक है वो है जस्टिस फॉर मधु। क्या आपको लगता है इसलिए हमें जस्टिस मिलेगा? तो मधु वो लड़की जो है वो रायचूर में रहती है, उनकी एज है 23। कॉलेज से वो लौटते वक्त उनके साथ ये घिनौना काम हुआ, उनके साथ रेप हुआ, फिर उसके बाद उनका मर्डर हुआ। कॉलेज से आते वक्त मधु करके, मधु वो लड़की के साथ बहुत दिनों से पहचान के एक लड़के ने, उसका नाम है सुदर्शन, वो एक लोकल लड़का है, वो अपने दोस्त लोग के साथ मिलकर पहले उनका रास्ता रोका, फिर उनको किडनैप करके जंगल में लेके गया, फिर उसके बाद उस लड़की का रेप किया। रेप करने के बाद वो लड़की को जला दिया। जलाने के पहले उसने उस लड़की की हाथ काट दी और उसको फोर्स किया एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कि मैं जो सुसाइड कर रही हूँ उसका जो कारण है, मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आया इसलिए। उसके बाद उस लड़की को जला दिया, आधा अधूरा वो लड़की को जलाने के बाद उसकी बॉडी को फांसी पे लटका दिया। ये सब करने के बाद उसने उस सुसाइड नोट को उस लड़की के बाजू में रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ वो लड़का ये सब करके वहाँ से निकल गया। उस और हमारी जो सोसाइटी है, पुलिस हो या हमारे जो लोग हैं वो मीडिया हो, इस न्यूज़ को दबा दी। क्यों दबा दिए? क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है, वो लोगों को पता है इलेक्शन के टाइम में ये सब न्यूज़ बाहर आएगी तो जो जो हमारे सो कॉल्ड नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं लड़की लोग को पढ़ाओ लड़की लोग को बचाओ वो ये करके, वो लोगों पे पता है खतरा हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन में वो लोगों की वोटिंग कम हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ को दबाई जा रही है। हमारे इंडिया में जो ऐसी चीज़ें हैं वो बार बार होती आ रही है, पहले दिल्ली में, तमिलनाडु में, बेंगलुरु में, अब रायचूर करके एक जगह है वहाँ पे हुआ है। तो ये रीज़न क्या है ये सब होने का? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में जो ऐसे जो घिनौने काम करते हैं वो लोगों को सही तरीके से उन लोग की सज़ा नहीं मिलती है। अब दूसरे अदर कंट्रीज़ में देख लीजिए, ऐसे रेपिस्ट लोग को फौरन सज़ा दी जाती है, मगर हमारे इंडिया में रेपिस्ट करते वो लोगों को बेल भी मिल जाती है इतने आसानी से। तो फिर क्या, ये लोगों की तो हिम्मत बढ़ जाएगी, एक लोगों ने किया तो चलो वो लोगों को छोड़ दो, दूसरे लोगों को वो चीज़ देख के हिम्मत आ जाएगी, हम भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, दो चार दिन हमें पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, हमें बेल मिल जाएगी, आराम से हम आके बाहर रहेंगे, फिर हमारा काम फिर से जो ये घिनौना काम किए हम वो काम हम फिर से चालू कर देंगे। पहले तो हमारे इंडिया में ये ऐसे लोग जो है गंदे और घिनौने तरीके से काम करते, ये लोगों को तो पहले तो बेल मिलना ही नहीं चाहिए, और दूसरी ये लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, या अरब कंट्री में जो सज़ा मिलती है रेपिस्ट लोगों को वो सज़ा ये लोगों को मिलनी चाहिए। मगर लोगों को ऐसा सज़ा मिलेगा जब हम ये लोगों, मतलब ये जो गुनाह हो रहा है उसे हम कम कर सकते हैं। मधु के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, वो अभी वापस नहीं आएगी। पहले आप अपनी आवाज़ उठाएं, फिर हम पहले खुद आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो दूसरे लोगों को भी पीछे से 10 लोग आपके साथ देंगे। तो पहले इन चीज़ों को रोकने के लिए खुद आप अपनी आवाज़ उठाएं, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। सिर्फ हैशटैग जस्टिस जस्टिस कहने से कुछ नहीं होता है, हमें ज़रूरी है हम हमारी आवाज़ को बुलंद करें और हम इन लोगों को बताएं कि हम किसी से कम नहीं है लड़कियाँ, और ऐसे लोगों को हम जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग
आप लोग भी मधु के लिए, जस्टिस के लिए वीडियो बनाएं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में दे दूंगी, आप लोग वहाँ ऑडियो भेज दीजिए इनके लिए। मैं मेरे चैनल पे ये दूसरे मेरे में नेक्स्ट डे में आप लोगों ने जो भी मुझे वीडियो भेजा है या ऑडियो भेजा है कुछ भी हो, मैं आपके नाम के साथ चैनल पर बता दूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ गर्ल्स, प्लीज़ अपना गर्ल्स पावर शो करिए, बता दीजिए कि हम किसी से कम नहीं है और हम ऐसे चीज़ के लिए खुद आवाज़ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।